उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री राम गोविंद जी, यहां के जनप्रिय सांसद, जुझारू नेता, मेरे मित्र श्रीमान भरत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष और समाज सेवा में अपना जीवन खपाने वाले हमारे नौजवान साथी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे पड़ोस के सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, हमारे सांसद श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी, पेट्रोलियम के सचिव श्री केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीएमडी श्रीमान बी अशोक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सीएमडी श्रीमान एम के सुराना, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भृगु बाबा की धरती पर रहुआ सभन के प्रणाम। ई धरती तत्साक्षात भृगु जी की भूमि रहल, ब्रह्मा जी भी यही जमीन पर उतर रहल, राम जी यहीं से विश्वामित्र मुनि के साथे गई, तत्संदर धरती पर सभी के हाथ जोड़ के फिर से प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं पहले भी बलिया आया हूं, ये बलिया की धरती क्रांतिकारी धरती है, देश को आजादी दिलाने के लिए इसी धरती के मंगल पांडे, और वहां से लेकर के चित्तू पांडे तक एक ऐसा सिलसिला हर पीढ़ी में हर समय देश के लिए जीने मरने वाले लोग इस बलिया की धरती ने दिए हैं। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं, यही धरती है जहां भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। यही धरती है
जिसका सीधा नाता बाबू जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ता है। और यही तो धरती है, उत्तर प्रदेश राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के बिना अधूरा लगता है। ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज जिस धरती ने दिए, उस धरती को मैं नमन करता हूं। आपके प्यार के लिए शत शत नमन। आप मुझे जितना प्यार देते हैं, मुझ पर आपका कर्ज चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस कर्ज को, इस प्यार वाले कर्ज को ब्याज समेत चुकाने का संकल्प लेकर के काम कर रहा हूं। और ब्याज समेत मैं चुकाऊंगा, विकास करके चुकाऊंगा मेरे भाइयों बहनों, विकास करके चुकाऊंगा। आज पहली मई है, 1 मई। पूरा विश्व आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देश का ये मजदूर नंबर एक, देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है, उस महान परंपरा को प्रणाम करता है। भाइयों बहनों, दुनिया में एक नारा चलता था, जिस नारे में राजनीति की बू स्वाभाविक थी, और वो नारा चल रहा था, दुनिया के मजदूर एक थाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। और वर्ग संघर्ष के लिए मजदूरों को एक करने के आह्वान हुआ करते थे। भाइयों बहनों, जो लोग इस विचार को लेकर के चले थे, आज दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर धीरे धीरे करके वो अपनी जगह खोते चले जा रहे हैं। 21वीं सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है, और इसलिए 21वीं सदी का तो मंत्र एक ही हो सकता है, विश्व के मजदूरों, विश्व के श्रमिकों, आओ हम दुनिया को एक करें, दुनिया को जोड़ दें, ये नारा 21वीं सदी का होना चाहिए।
वो एक वक्त था लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है, और दुनिया को जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई केमिकल है, सबसे बड़ा ऊर्जावान सीमेंटिंग कोई फोर्स है, तो वो मजदूर का पसीना है। उस पसीना वो एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को जोड़ सकता है। भाइयों बहनों, जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया, 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, और जब एनडीए के सभी घटकों ने मुझे अपने नेता के रूप में चुना, तो उस दिन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरे प्रथम भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, ये सरकार जो भी करेगी वो गरीबों की भलाई के लिए करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए करेगी। भाइयों बहनों, हमने मजदूरों के लिए भी श्रम कानूनों में श्रमिकों की सरकार के साथ संबंधों में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया है, अनेक बदलाव लाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा, पीड़ा होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे देश में सरकार से जिनको पेंशन मिलता था, इस देश में 30 लाख से ज्यादा श्रमिक ऐसे थे जिनको पेंशन किसी को 15 रुपया महीने का, किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, इतना पेंशन मिलता था। आप मुझे बताइए, पेंशन लेने के लिए वो गरीब वृद्ध व्यक्ति दफ्तर जाएगा तो इतना तो उसका बस का किराए का खर्चा हो जाएगा, ऑटो रिक्शा का खर्चा हो जाएगा। लेकिन सालों से मेरे देश को बनाने वाले श्रमिकों को 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पेंशन मिलता था। हमने आकर के इन 30 लाख से ज्यादा मेरे श्रमिक परिवारों को मिनिमम 1000 रुपया पेंशन देने का निर्णय कर लिया, लागू कर दिया, और उस गरीब परिवार को वो पेंशन मिलने लग गया। भाइयों बहनों, हमारे यहां कभी कभार गरीबों के लिए योजनाओं की चर्चाएं बहुत होती हैं, और उनकी भलाई के लिए काम करने की बातें भी बहुत होती हैं। हमने आने के बाद एक श्रम सुविधा पोर्टल चालू किया, जिसके तहत 8 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को एकत्र करके उसका सरलीकरण करने का काम कर लिया। पहली बार देश के श्रमिकों को एक लेबर आइडेंटिटी नंबर LIN लीन ये नंबर दिया गया, ताकि हमारे श्रमिक की पहचान बन जाए,
इतना ही नहीं, हमारे देश के श्रमिकों को पूरे देश में अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, इसलिए एनसीएसपी, इसकी हमने एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल इसकी शुरुआत की, ताकि जिसको रोजगार देना है और जिसको रोजगार लेना है दोनों के बीच एक सरलता से तालमेल हो सके। भाइयों बहनों, बोनस का कानून हमारे देश में सालों से, बोनस का कानून ये था कि 10,000 रुपये से अगर कम आयु आवक है और कंपनी बोनस देना चाहती है तो उसी को मिलेगा। आज के जमाने में 10,000 रुपये की आय एक कुछ नहीं होती है और उसके कारण अधिकतम श्रमिकों को बोनस नहीं मिलता था। हमने आकर के निर्णय किया कि मिनिमम इनकम 10,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दी जाए। इतना ही नहीं, पहले बोनस सिर्फ 3,500 रुपया मिलता था, हमने निर्णय किया ये बोनस मिनिमम 7,000 रुपया मिलेगा और उससे भी ज्यादा अगर उसका पाने का हक बनता है तो वो भी उसको मिलेगा। भाइयों बहनों, कभी हमारा श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह पे नौकरी चला जाता था तो उसके जो पीएफ वगैरह के पैसे कटते थे उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता था। वो गरीब मजदूर बेचारा पुरानी जगह पर लेने के लिए वापस नहीं जाता था। सरकार के खजाने में करीब 27,000 करोड़ रुपया इन मेरे गरीबों के पड़े हुए थे, कोई सरकार उसकी सुंग लेने को तैयार नहीं था। हमने आकर के सभी मजदूरों को ऐसे कानून में बांध दिया कि मजदूर जहां जाएगा उसके साथ उसके ये प्रोविडेंट फंड के पैसे भी साथ साथ चले जाएंगे और उसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसे ले सकता है। आज वो 27,000 करोड़ रुपयों का मालिक बन सकेगा, ऐसी व्यवस्था हमने की है। भाइयों बहनों, हमारे यहां कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर होते हैं, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में है, इमारत बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं थी। श्रमिक कानूनों में परिवर्तन करके आज हमने इन कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों के लिए, उनके आरोग्य के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके बैंक अकाउंट के लिए, इनके पेंशन के लिए एक व्यापक योजना बना करके हमारे कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को भी हमने उसका फायदा दिया है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश जिसने अनेक अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारी गरीबी बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, गरीबों की संख्या भी बढ़ती गई। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी कि हम गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाए? ऐसा क्या कारण था कि हमने गरीबों को सिर्फ गरीबी के बीच जीना नहीं, लेकिन हमेशा सरकारों के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया? उसके जमीर को हमने खत्म कर दिया, गरीबी के खिलाफ लड़ने का उसका हौसला
हमने तबाह कर दिया। भाइयों बहनों, अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि गाजीपुर के सांसद नेहरू के जमाने में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, जब उन्होंने संसद में कहा कि मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाई बहन ऐसी गरीबी में जी रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता है, पशुओं के गोबर को धोते हैं और उस गोबर में से जो दाने निकलते हैं उन दानों से पेट भर के वे अपना गुजारा करते हैं। जब ये बात संसद में कही गई थी पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, और तब एक पटेल कमीशन बैठा था। यहां की स्थिति सुधारने के लिए कई बातों का सुझाव आज से 50 साल पहले दिया गया था, लेकिन उन सुझावों पर क्या हुआ वो तो भगवान जाने। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें एक सुझाव था ताड़ीघाट, गाजीपुर और मऊ, इसे रेल से जोड़ा जाए। 50 साल बीत गए, वो बात कागज पर ही रही। मैं भाई मनोज सिन्हा को हृदय से अभिनंदन करता हूं, यहां के मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं कि वे 50 साल पहले जो बातों को भुला दिया गया था उसको लेकर के निकल पड़े, मुझ पर दबाव डालते रहे, बार बार मिलते रहे, और आज मैं संतोष से कह सकता हूं उस रेल लाइन के लिए बजट आवंटन करने का निर्णय हमने कर लिया और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। गंगा के ऊपर रेल और रोड का दोनों ब्रिज बनेंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो विकास के लिए एक नया रास्ता भी खोलता है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं बलिया की धरती पर से मेरे देश के उन 1 करोड़ परिवारों को सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। करीब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो, क्या आप 5-10 हजार रुपया का बोझ नहीं उठा सकते साल का, क्या आप सब्सिडी वॉलेंटरीली छोड़ नहीं सकते। मैंने ऐसे ही एक कार्यक्रम में बोल दिया था, मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था, न योजना बनाई थी न फॉलोअप करने की व्यवस्था की थी, यूं ही दिल से एक आवाज उठी और मैंने बोल दिया। आज 1 साल के भीतर भीतर मेरे देश के लोग कितने महान हैं, अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं, इसका यह उदाहरण है। आज के युग में हम बस में जाते हो, बगल वाली सीट खाली हो और हमें लगे कि चलो बगल में कोई पैसेंजर नहीं है तो जरा ठीक से बैठूंगा, आराम से प्रवास करूंगा, लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया, बगल में बैठ गया, हम तो हमारी सीट पर बैठे हैं, तो भी थोड़ा मुंह बिगड़ जाता है,
मन में होता है ये कहां से आ गया, जैसे मेरी सीट ले ली हो। ऐसा जमाना है, ऐसे समय 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ बातों बातों में कहने पर प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे, इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये देश के लिए किया हुआ काम है, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है, इन लोगों का जितना गौरव करे उतना कम है। और हमारे देश में लेने वाले से ज्यादा देने वाले की इज्जत होती है, ये देने वाले लोग हैं, जहां भी बैठे होंगे ये तालियों की गूंज उन तक सुनाई देती होगी और वो गौरव महसूस करते होंगे। भाइयों बहनों, हमने कहा था गरीबों के लिए जो सब्सिडी छोड़ेगा वो पैसे सरकार की तिजोरी में नहीं जाएंगे, वो पैसे गरीबों के घर में जाएंगे। 1 साल में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाइयों, 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है, इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला, सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को, करीब 60 साल में मेरे भाइयों बहनों हमने 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया। भाइयों बहनों, हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी बलिया में कार्यक्रम क्यों किया। हमारा देश का एक दुर्भाग्य है, कुछ लोग राजनीति में नहीं हैं, लेकिन उनको 2400 घंटे राजनीति के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। किसी ने लिख दिया कि बलिया में मोदी आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो चुनाव का बिगल बजा रहे हैं, वे चुनाव का बिगल बजा रहे हैं। अरे मेरे मेहरबानों, हम कोई चुनाव का बुगल बजाने नहीं आए हैं, ये बुगल तो मतदाता बजाते हैं, हम बुगल बजाने नहीं आए। भाइयों बहनों, अभी मैं पिछले हफ्ते झारखंड में एक योजना लागू करने के लिए गया था, झारखंड में कोई चुनाव नहीं है। मैं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक योजना लागू करने गया था, वहां पर कोई चुनाव नहीं है। मैंने बेटी बचाओ अभियान हरियाणा से चालू किया था, वहां कोई चुनाव नहीं है। ये बलिया में ये रसोई गैस का कार्यक्रम इसलिए तय किया कि उत्तर प्रदेश में जो एवरेज हर जिले में रसोई गैस है, बलिया में कम से कम है, इसलिए मैं बलिया आया हूं। ये ऐसा इलाका है जहां अभी भी गरीबी के रेखा के नीचे जीने वाले 100 में से मुश्किल से 8 परिवारों के घर में रसोई गैस जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, बलिया
जहां कम से कम परिवारों में रसोई गैस जाता है, इसलिए मैंने आज बलिया में आकर के देश के सामने इतनी बड़ी योजना लागू करने का निर्णय किया। मैंने हरियाणा में बेटी बचाओ इसलिए कार्यक्रम लिया था क्योंकि हरियाणा में बालकों की संख्या में की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम थी, बड़ी चिंताजनक स्थिति थी, और इसलिए मैंने वहां जाकर के खड़ा हो गया और उस काम के लिए प्रेरित किया। और आज हरियाणा ने बेटी बचाने के काम में हिंदुस्तान में नंबर एक ला करके खड़ा कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया में इसलिए आया हूं क्योंकि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर पूर्वी हिंदुस्तान पश्चिमी हिंदुस्तान की बराबरी भी कर ले तो इस देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा भाई, मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेरा बिहार, मेरा पश्चिम बंगाल, मेरा असम, मेरा नॉर्थ ईस्ट, मेरा उड़ीसा, ये ऐसे प्रदेश हैं कि अगर वहां विकास गरीबों के लिए पहुंच जाए तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हम सफल हो जाएंगे। भाइयों, आप मुझे बताइए, एक जमाना था बहुत लोगों को ये रसोई गैस की ताकत क्या है अभी भी समझ नहीं आती है। बहुत लोगों को ये रसोई गैस की राजनीति क्या थी ये भी भूल चुके हैं। बहुत लोग ये रसोई गैस कितना मूल्यवान माना जाता था वो भूल गए हैं। मैं आज जरा याद दिलाना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पंडितों को याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली में बैठ करके एयर कंडीशन कमरे में बढ़िया बढ़िया सलाह देने वालों को मैं आज झकझोरना चाहता हूं, उनको मैं हिलाना चाहता हूं, मैं उनको समझाना चाहता हूं। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो जब सांसद पार्लियामेंट का मेंबर बनता था तो उसको हर साल रसोई गैस की 25 कूपन दी जाती थी और वो अपने इलाके में 25 परिवारों को साल में रसोई गैस दिलवाता था और वो इतना गर्व करता था कि मैंने मेरे इलाके में 25 परिवारों को एक साल में रसोई गैस का कनेक्शन दिलवा दिया। ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अभी पिछले सालों की बात करता हूं। और अखबारों में खबरें आती थी कि सांसद महोदय ने काले बाजारी में रसोई गैस का टिकट बेच दिया। और ऐसे भी लोग थे कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपया उस टिकट खरीदने के लिए ब्लैक में खर्च करते थे। वो दिन थे। और आज ये सरकार देखिए, एक एक सांसद के क्षेत्र में हिंदुस्तान के एक एक पार्लियामेंट मेंबर के क्षेत्र में किसी के यहां साल में 10 हजार गैस सिलेंडर पहुंच जाएंगे, किसी के यहां 20 हजार, किसी के यहां 50 हजार, और 3 साल के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। 5 करोड़ परिवारों में, भाइयों बहनों, ये 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाना ये छोटा काम नहीं है। इतना बड़ा काम आज मैं गरीब माताओं बहनों के लिए लेकर के आया हूं। आपने देखा होगा, मैं इन माताओं को पूछ रहा था कि आपने कभी सोचा था
कि आपके घर में रसोई गैस आएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सोचा नहीं था हमारे बच्चों के नसीब में भी रसोई गैस आएगा, ये हमने सोचा नहीं था। मैंने पूछा रसोई में कितना टाइम जाता है, वो कहते हैं लकड़ी लेने जाना पड़ता है, लकड़ी जलाते हैं, बुझ जाती है, कभी आधी रोटी रह जाती है, फिर लकड़ी डालने जाते हैं। बड़ी अपनी मुसीबत बता रही थी। भाइयों बहनों, ये रसोई गैस के कारण पांच करोड़ परिवार 2019 में जब महात्मा गांधी के 150वीं जयंती होगी, 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, तब गांव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस रसोई गैस पहुंच चुके होंगे। भाइयों, समय सीमा में काम करने का हमने फैसला किया है। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है, 400 सिगरेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे, ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश ये है। और इतना ही नहीं, ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी, उनका जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस मां के हाथ में ही पैसे लग जाए, ये भी व्यवस्था करें। ये एनवायरमेंट के लिए भी हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया का खर्चा सरकार को लगने वाला है। कहां एमपी की 25 रसोई गैस की टिकट और कहां 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाने का अभियान। यह फर्क होता है सरकार सरकार में। काम करने वाली सरकार, गरीबों का भला करने वाली सरकार, गरीबों के लिए सामने जाकर के काम करने वाली सरकार,
कैसे काम करती है, इसका यह उत्तम उदाहरण आज ये 5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस देने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, आज पिछली किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितना काम नहीं किया होगा, इतनी धनराशि आज भारत सरकार उत्तर प्रदेश में लगा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो गरीब राज्य हैं वो तेजी से तरक्की करें, और इसलिए हम काम में लगे हैं। गंगा सफाई का अभियान जनता की भागीदारी से सफल होगा, और इसलिए जन भागीदारी के साथ जन जन संकल्प करे, ये मेरा बलिया तो मां गंगा और सरयू के तट पर है, दोनों की कृपा आप पर बरसी हुई है, और हम सब अभी जहां बैठे हैं वो जगह भी एक बार मां गंगा की गोदी तो है, और इसलिए जब मां गंगा की गोद में बैठ करके मां गंगा की सफाई का संकल्प हर नागरिक को करना होगा, हम तय करें मैं कभी भी गंगा को गंदी नहीं करूंगा, मेरे से कभी गंगा में कोई गंदगी नहीं जाएगी। एक बार हम तय कर लें कि मैं गंगा को गंदी नहीं करूंगा, ये मेरी मां है, उस मां को गंदा करने का पाप मैं नहीं कर सकता, ये अगर हमने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ये मां गंगा को गंदा नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम गरीब व्यक्ति की जिंदगी बदलना चाहते हैं, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, और आज 1 मई जब मजदूरों का दिवस है, गरीबी में जीने वाला व्यक्ति मजदूरी से जूझता रहता है। भाइयों बहनों, गरीबी हटाने के लिए नारे तो बहुत दिए गए, वादे बहुत बताए गए, योजनाएं ढेर सारी आई, लेकिन हर योजना गरीब के घर को ध्यान में रख करके नहीं बनी, हर योजना मत पेटी को ध्यान में रख करके बनी है। जब तक मत पेटियों को ध्यान में रख करके गरीबों के लिए योजनाएं बनेगी, कभी भी गरीबी जाने वाली नहीं है। गरीबी तब जाएगी जब गरीब को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत मिलेगी, गरीबी तब जाएगी जब गरीब फैसला कर लेगा कि अब मेरे हाथ में साधन है, मैं गरीबी को परास्त करके रहूंगा, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा, अब मैं गरीबी से बाहर आऊंगा, और इसके लिए उसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रहने को घर मिले, घर में शौचालय हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, ये अगर हम करेंगे तभी गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरा गरीब ताकतवर हो जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आजादी के इतने साल हो गए, आजादी के इतने सालों के बाद इस देश में 18,000 गांव, 18,000 गांव ऐसे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा। 18वीं शताब्दी में जैसी जिंदगी वो गुजारते थे, 21वीं सदी में भी 18,000 गांव ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या किया इन गरीबों के नाम पर राजनीति करने वालों ने, उन 18,000 गांव को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? मैंने बीड़ा उठाया है, लाल किले से 15 अगस्त को मैंने घोषणा की, मैं 1,000 दिन में 18,000 गांवों में
बिजली पहुंचा दूंगा। 1000 दिन में 18000 गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। रोज का हिसाब देता हूं देशवासियों को। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में आप हैरान होंगे, इतने प्रधानमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश मेरा कार्य क्षेत्र है, मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना बनाया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में इतने प्रधानमंत्री आए। भाइयों बहनों, जब मैं बैठा 1530 गांव ऐसे थे, 1529 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था। अभी तो 250 दिन हुए हैं मेरी योजना को, 250 दिन हुए हैं। भाइयों बहनों, अब तक मैंने 1326 गांवों में, 1529 में से 1326 गांवों में खंभा पहुंच गया, तार पहुंच गया, तार लग गया, बिजली चालू हो गई और लोगों ने बिजली का स्वागत भी कर दिया। और जिन गांवों में बाकी है वहां भी तेजी से काम चल रहा है। आज औसत उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में 3 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो काम 60 साल तक नहीं हुआ वो हम एक दिन में 3 गांव तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका आरंभ हो रहा है, मेरे 125 करोड़ देशवासी, देश में करीब 25 करोड़ परिवार है, उसमें से ये 5 करोड़ परिवारों के लिए योजना है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। कभी एक योजना 5 करोड़ परिवारों को छूती हो ऐसी एक योजना नहीं हो सकती। ऐसी योजना आज लागू हो रही है, बलिया की धरती पर हो रही है। राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके आशीर्वाद से हो रही है। चंद्रशेखर जी, बाबू जयप्रकाश जी, ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से प्रारंभ हो रही है। और बलिया की धरती अब बलिया बलिया बनना चाहिए, अब बलिया बलिया बनना चाहिए, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार हमारे सांसद महोदय भाई भरत का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। इतने उमंग के साथ इस कार्यक्रम की उन्होंने योजना की। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान और उसकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि पेट्रोलियम सेक्टर कभी गरीबों के लिए माना नहीं गया था, हमने पेट्रोलियम सेक्टर को गरीबों का बना दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में आया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।